सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देख रहे प्लीज़ ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। आज की वीडियो लेकर आए हैं ये है जी SUV के हवाले से वीडियोस, जिसको कल इस वीडियो का नाम है टॉप 20 बेस्ट सेलिंग SUV इन अक्टूबर। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है ये, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वीडियो में। जो भी मतलब कि जिनको भी शौक होता है, गाड़ियों का शौक तो हर किसी को होता है, तो मुझे ऐसे, मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे SUVs बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से मैं ये वीडियो देख रही हूँ। मुझे आपको भी मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर देखते हैं। SUVs की डिमांड दिन वो दिन बढ़ती ही जा रही है। अभी कुछ दिन पहले सफारी और हैरियर की फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया है और अगले साल 2024 में तो धमाल मचने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको अक्टूबर के महीने में 20 सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs के बारे में बताने वाला हूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 पोजीशन पर है MG की हेक्टर, जिसकी 2743 यूनिट्स बिकी है। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर MG हेक्टर फीचर्स लोडेड गाड़ी होने के बाद भी ज्यादा नहीं बिकता। चाइनीज कार है या और किसी वजह से नहीं बिकता, अब तो इसकी सेल्स और कम होने वाली है क्योंकि टाटा सफारी का फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया है। अब लोग सफारी को लेना पसंद करेंगे। हेक्टर की एक शोरूम कीमत 14,73,000 रुपए से शुरू होती है और 21,93,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद 19th पोजीशन पर है मारुति की जिमनी, जिसकी 2,813 यूनिट्स बिकी है। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर जिमनी की सेल्स देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मारुति की फ्लॉप कार साबित हो गई है। जिमनी की एक शोरूम कीमत 12,74,000 रुपए से शुरू होती है और 15,05,000 रुपए तक जाती है। 18th पोजीशन पर है टोयोटा की हाई राइडर, जिसकी 3,225 यूनिट्स बिकी है। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये ग्रैंड विटारा का रिबैच वर्जन है, बस लुक्स थोड़ी सी अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। हाई राइडर की एक शोरूम कीमत 10,86,000 रुपए से शुरू होती है और 19,99,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद 17th पोजीशन पर है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसकी 3,409 यूनिट्स बिकी है। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर अब इस गाड़ी को लेने से अच्छा है कि न्यू टाटा सफारी ले लो, कम प्राइस में फॉर्च्यूनर से ज्यादा कंफर्ट और फीचर्स भी मिल जाएगा। फॉर्च्यूनर की प्राइस को 70,000 रुपए और बढ़ा दिया गया है। इतना महंगा होने के बाद भी सेल्स पहले जैसा हो रहा है, पता नहीं क्या जादू है। फॉर्च्यूनर की एक शोरूम कीमत 32,99,000 रुपए से शुरू होती है और 50,74,000 रुपए तक जाती है। 16th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 3W, जिसकी 4,171 यूनिट्स बिकी है। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर XUV 3W की फेसलिफ्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। XUV 3W की एक शोरूम कीमत 7,99,000 रुपए से शुरू होती है और 14,74,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद 15th पोजीशन पर है किया की सोनेट, जिसकी 4,363 यूनिट्स बिकी है। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर सोनेट का भी फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, जिसमें एडास मिल सकता है। सोनेट की एक शोरूम कीमत 7,79,000 रुपए से शुरू होती है और 14,89,000 रुपए तक जाती है। 14th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी 5,747 यूनिट्स बिकी है इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जल्द ही थार का 5-डोर वर्जन लॉन्च होने वाला है, उसके बाद जिमनी की नामो निशान तक मिट जाएगा। थार की एक शोरूम कीमत 10,54,000 रुपए से शुरू होती है और 16,78,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद 13th पोजीशन पर है होंडा की एलिवेट, जिसकी 6,709 यूनिट्स बिकी हैं इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर। होंडा ने एलिवेट में कंफर्ट और फीचर्स भर भर के दिए हैं और प्राइजेस काफी अच्छी रखी है, फिर भी उतनी सेल्स नहीं हो रही जितना होना चाहिए था। एलिवेट की एक शोरूम कीमत 11,04,000 रुपए से शुरू होती है और 16,24,000 रुपए तक जाती है। 12th पोजीशन पर है हुंडई की एक्स्टर, जिसकी 7,817 यूनिट्स बिकी हैं। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर हुंडई ने एक्स्टर को लॉन्च किया था पंच को पंच मारने के लिए, लेकिन एक्स्टर ने तो पंच को किक भी नहीं मार पाया। एक्स्टर की एक शोरूम कीमत 6,00,000 रुपए से शुरू होती है और 10,10,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद 11th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 7W, जिसकी 8,973 यूनिट्स बिकी है। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर
XUV 7W की सेल्स डाउन हो सकती है क्योंकि सफारी का फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया है। वो तो अगले महीने पता चलेगा कि डाउन होती है या नहीं। हाई चांसेस है कि सेल्स डाउन हो सकती है। XUV 7W की एक्स शोरूम कीमत 14,01,000 रुपए से शुरू होती है और 26,18,000 रुपए तक जाती है। 10th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो जिसकी 9,836 यूनिट्स बिकी है। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसमें बोलेरो क्लासिक और बोलेरो नियो दोनों की सेल्स है। बोलेरो को जल्द ही अपडेट किया जा सकता है। बोलेरो की एक्स शोरूम कीमत 9,63,000 रुपए से शुरू होती है और 12,14,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद 9th पोजीशन पर है किया की सेल्टोस जिसकी 11,084 यूनिट्स बिकी है। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर सेल्टोस की पुरानी वर्जन एक टाइम पर टॉप सेलिंग एसयूवी हुआ करती थी, लेकिन अब इसको अपग्रेड करने के बाद भी टॉप सेलिंग एसयूवी नहीं बन पा रही है। सेल्टोस की एक शोरूम कीमत 10,90,000 रुपए से शुरू होती है और 20,00,000 रुपए तक जाती है। 8th पोजीशन पर है मारुति की फ्रॉन्क्स जिसकी 11,357 यूनिट्स बिकी है। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर फ्रॉन्क्स की एक शोरूम कीमत 7,46,000 रुपए से शुरू होती है और 13,13,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद 7th पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा जिसकी 11,861 यूनिट्स बिकी है। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर ग्रैंड विटारा की एक शोरूम कीमत 10,70,000 रुपए से शुरू होती है और 19,20,000 रुपए तक जाती है। 6th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू जिसकी 12,107 यूनिट्स बिकी है। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर वेन्यू की एक शोरूम कीमत 7,77,000 रुपए से शुरू होती है और 13,48,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद 5th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो जिसकी 12,851 यूनिट्स बिकी है। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये सेल्स फिगर स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों की है। स्कॉर्पियो की एक शोरूम कीमत 13,00,000 रुपए से शुरू होती है और 16,81,000 रुपए तक जाती है। 4th पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा जिसकी 13,456 यूनिट्स बिकी है। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्रेटा की फेसलिफ्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है। जनवरी में लॉन्च किया जाएगा। क्रेटा की एक शोरूम कीमत 10,87,000 रुपए से शुरू होती है और 19,20,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर है टाटा की पंच जिसकी 14,316 यूनिट्स बिकी है। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर पंच की एक शोरूम कीमत 6,00,000 रुपए से शुरू होती है और 10,10,000 रुपए तक जाती है। सेकंड पोजीशन पर है मारुति की ब्रेजा जिसकी 15,272 यूनिट्स बिकी है। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर ब्रेजा से हाइब्रिड इंजन को हटा दिया गया है, फिर भी ये दमदार बिक रही है। ब्रेजा की एक शोरूम कीमत 8,29,000 रुपए से शुरू होती है और 14,14,000 रुपए तक जाती है। नंबर 1 पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन जिसकी 15,785 यूनिट्स बिकी है। इस महीने में ऑल ओवर इंडिया के अंदर नेक्सॉन वापस से किंग ऑफ एसयूवी बन गई है। नेक्सॉन की एक शोरूम कीमत 8,10,000 रुपए से शुरू होती है और 15,50,000 रुपए तक जाती है। ये थी इस महीने का 20 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जी तो गाइस, ये थी इस महीने की 20 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवीज। आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सी है आप मुझे जरूर बताइएगा। मुझे तो सीरियसली वो एक जो थी ना होंडा की जो कि 6,00,000 से स्टार्ट होती थी, मुझे पता नहीं दूसरी भी जितनी भी एसयूवीज थी उनके फीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही ज्यादा अच्छी प्राइजेस में। मैं तो हैरान हो रही हूँ देखते कि इंडिया में इतनी सस्ती एसयूवीज बिक रही है। यहाँ पे अगर आप आते हो आपको लाखों में अगर आप 90,00,000 की जाओ आपको एसयूवी नहीं मिलेगी। और इंडिया के लिए मुझे पता है इंडिया के और यहाँ के जो प्राइस में डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा, उतने प्राइस में यहाँ पे कोई एक भी गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इंडिया में इतनी ज़्यादा सस्ती गाड़ियाँ मिलती हैं मैं सुन सुन के हैरान। सीरियसली अगर मुझे ऑप्शन मिले और अगर मेरे पास कभी मुझे गाड़ी रखने का मौका मिले तो मैं एसयूवी रखूँगी क्योंकि मुझे एसयूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मुझे पता नहीं क्यों मतलब दूसरी जो गाड़ियाँ होती हैं ना वो मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती जितनी ज़्यादा एसयूवी की लुक के वाइज आप देखें उसके फीचर तो होते हैं और उसकी जो स्पेस होती है ना उसमें वो बहुत ही ज़्यादा मुझे तो अच्छी लगती है। आपकी फेवरेट इनमें से कौन सी थी आप अपनी जरूर बताइएगा।
ऐसे तो मतलब अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट नंबर पे नेक्सन थी वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। वैसे तो यहाँ पे जितनी भी उन्होंने ऐसी दिखाई हैं सबकी सब बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके मतलब उनकी कितनी गाड़ियाँ एक महीने में बिकी हैं कितनी नहीं बिकी उस हिसाब से वो रेटिंग उनको दी दी गई थी। तो आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी एसयूवी कौन सी है इंडिया में? आप प्लीज़ अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अपना जरूर बताइएगा। आपको मिलूंगी ऐसी किसी और नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।